नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हम मौजूद हैं फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया तेजस इंडस्ट्री में। और कैसा लगता है ये इंडस्ट्री अंदर से वो आप देख सकते हैं। और यहां पे बनेगा कामधेनु सरिया। जी हां, आपने देख ही लिया था कि किस तरह का माहौल है, किस तरह से ग्रैंड ओपनिंग हुआ है। लेकिन अब देखिए कि किस तरह के वर्कर्स आपको दिख रहे होंगे रेड ड्रेस में, कैप में, येलो कैप, वाइट कैप, और कितने ज़्यादा वर्कर्स हैं वो आपको हम दिखाएंगे नीचे जाके। लेकिन उससे पहले कामधेनु सरिया जो है वो कहाँ बनेगा, कैसा मशीन है, जिस मशीन, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रहा था बहुत पहले से कि ये इस इंडस्ट्री यानी तेजस इंडस्ट्री में अलग टेक्नोलॉजी है, ऐसा टेक्नोलॉजी पूरे भारत में नहीं मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। तो भाई देखिए, ये वही मशीनें हैं जहाँ पे कामधेनु सरिया बनेगा। कैसा लग रहा है वो आप देखिए, हर जगह बलून्स लगे हुए हैं अभी, इसलिए क्योंकि आज ही ग्रैंड ओपनिंग हुआ है तेजस इंडस्ट्री का। हम तेजस इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स भी आपको मिलवा दिए थे, हम कामधेनु प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर से भी हम आपको मिलवा दिए थे। लेकिन अभी देखिए तेजस इंडस्ट्री के अंदर का माहौल, अंदर किस तरह से काम चालू हुआ, मशीन सबसे पहले स्टार्ट हुआ तो किस तरह से चालू हुआ था वो भी आप देखिए विजुअल्स में। लेकिन अब विजुअल्स के बाद देखिए यहाँ का माहौल, यहाँ के वर्कर्स कितने ज़्यादा अलर्ट मोड पे हैं। सब लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि नया इंडस्ट्री, नया रोज़गार मिला है बिहार को। फतुहा में हम मौजूद हैं और नया रोज़गार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्कर्स को अगर काम मिलेगा तो वो रोज़गार ही है। तो चलिए वर्कर्स के पास चलते हैं और दिखाते हैं, वर्कर्स का खुशी भी दिखाएंगे और ये इंडस्ट्री कितना बड़ा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी तो अंदर से दिखा रहे हैं, बाहर में भी दिखाएंगे कि कैसा बनाया गया है इस इंडस्ट्री को। तो चलिए फिलहाल वो वर्कर्स जो बैठे हुए हैं उनके पास चलते हैं। देखिए यहाँ कंट्रोल रूम ऊपर आपको दिख रहा था, देखिए जहाँ हम खड़े थे। लेकिन अभी हमने बात किया कि वर्कर्स यानी रोजगार दिया जा रहा है इस इंडस्ट्री में, आपको दिख रहा होगा। तो कितने खुश हैं, खुश कितना है कि रोजगार मिल गया? रोजगार मिल गया, खुश हैं? हाँ खुश हैं। चलिए और अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि इंडस्ट्री में बहुत लोगों को काम दिया गया है, नीचे से दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम ऊपर से दिखा रहे थे। ये देखिए एक चारों तरफ आप देख लीजिए कि इंडस्ट्री दिखता कैसा है, और यही वो टेक्नोलॉजी है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, रोज़गार दिया गया है लोगों को। देखिए कितने खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। रोज़गार की तलाश में होंगे? हाँ है, ये मिल गया। चलिए आप बताइए। बढ़िया है, मिल गया रोज़गार, मिला बढ़िया। ये लोग जो हैं जिनको रोज़गार की तलाश रहती थी उनको रोज़गार मिल गया। अब लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं यही वो मशीन है। चलिए तो देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तेजस इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। और देखिए कोरोना काल में बहुत लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, लेकिन अब अपने ही जगह पे रोज़गार मिल गया। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, आप बताइए। बढ़िया लग रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं सर। मशीन कैसा? मशीन बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कहा जा रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हाँ है ये सर, पूरा टेक्नोलॉजी से लाओ सर, पूरा टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो काम बस इतने ही एरिया में होगा, बाहर क्या होगा? बाहर भी होगा, बाहर भी है। हाँ बाहर भी। ये एरिया तो हमने कवर कर लिया, ये एरिया तो हमने दिखा दिया, वर्कर्स भी खुश हैं, मशीन्स जो हैं वो भी आपने देख लिया। तो देखिए अब अलग से इसके अलावा जो बाहर है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वर्कर्स और मशीन्स देखिए किस तरह से लगा हुआ है इस इंडस्ट्री में। फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में बाहर का नज़ारा देखिए, तेजस इंडस्ट्री ब्लू कलर का कैसा लग रहा है। अंदर से आपने देख लिया सारे मशीनें जो हैं, सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं। जो वर्कर्स थे वो कितने खुश थे क्योंकि उनको रोज़गार मिल गया। और बाहर से तेजस इंडस्ट्री कैसा लगता है वो आप देखिए, साफ लिखा हुआ है तेजस आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड। इनके जो डायरेक्टर हैं रमेश गुप्ता जी, उनसे भी हमने बातचीत किया। लेकिन देखिए बाहर से ऐसा दिखता है तेजस इंडस्ट्री, और अंदर से जो मशीनें हैं, जो व्यवस्था है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपने देख लिया। और आज ग्रैंड ओपनिंग हो चुका है तेजस इंडस्ट्री का, लोगों को रोज़गार दे रहा है और साफ कह दिया है कि हमारे जैसा काम कोई नहीं कर सकता पूरे हिंदुस्तान में। और क्या कुछ अंदर माहौल था, मशीन से लेकर वर्कर से लेकर हर चीज़ हमने आपको दिखा दिया। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।